प्यार हो जाता है, क्या किसी को होता नहीं, सब लोग जानते हैं। देखते हैं तो हमारा कलेजा फट जाता है कि मेरी मम्मी चीर घर में क्या कर रही है। अगर मेरी मम्मी की लोगों क्यों पकड़ नहीं रहे हैं, हम कैसे पढ़ाई लिखाई करें, आप कैसे हम करेंगे कि अपने मम्मी का हम सपना भी नहीं पूरा करेंगे। आज हम पढ़ रहे थे, हम लोग के पेट पालने के लिए हमारे पापा कैसे हमें पढ़ाते थे, एक एक रुपए लाके कि तुम पढ़ो हम देंगे, कहाँ से लाएंगे पापा। जब अभी मैं मौजूद हूँ, यह जौनपुर के तेजी बाजार थाना क्षेत्र के यह चौराहा गाँव है और मैं आपको बताना चाहता हूँ 20 तारीख को एक घटना घटी थी जिनका नाम था सुभद्रा और ये उनकी बेटी है। उनसे भी बातचीत करना चाहता हूँ क्योंकि पुलिस ने जिस तरीके से खुलासा किया है कि उनके बेटे का ही बगल के एक किशोरी के साथ संपर्क था, इस तरीके का पुलिस ने खुलासा किया। अब जानने का प्रयास करता हूँ क्योंकि ये जिन जो मृतक की यह बड़ी बेटी हैं, ये बताइए ये घटना कैसे हुई और कैसे आपको जानकारी हुआ वहाँ मेरी मम्मी की बॉडी है। इलाहाबाद थे। क्या करते हैं आप? हम तैयारी करते हैं। जी, क्या चीज़ तैयारी करते हैं? अरे पुलिस का तैयारी करते थे पर हाइट नहीं थी मेरी, अब रेलवे का तैयारी कर रहे थे। जी, वहाँ पे पढ़ते हैं। जी, उसके बाद शाम को मम्मी का कॉल गया, मतलब हमेशा कॉल, मम्मी पापा हैं तो कॉल जाएगा ही। जी, कॉल की मम्मी, उसके बाद फ़ोन लगाई, बात की, हाल चाल पूछी, तबीयत पूछी कि मम्मी सब ठीक है। मम्मी बोल रही है थोड़ा हमें रात को नींद नहीं लग रही थी और खाना भी नहीं खाया जा रहा है। जी, हम कह क्यों कहीं पता नहीं क्यों बेचैनी सी हो रही है। हम कह ठीक है मम्मी, जाके दवा ववा ले लो, उसके बाद पूजा पाठ करो, माता जी का ठीक हो जाओगे। कहीं ठीक है, पर भी ढूंढ रहे हैं, ना गांव में है मम्मी ना इधर है, और इधर भी सब लोग घिरने गए थे पर इधर कुछ, मतलब जंगल में ज़्यादा कोई शंका ही नहीं था क्योंकि हमारे घर हमारी मम्मी जंगल में, मतलब हमारी मम्मी नानी के घर से आई थी। अच्छा, बताइए बंदना, इतना सारी बात आपको बातचीत हुई, आपने सारी बात को जाना, फिर आपकी माँ का बॉडी बरामद होता है, उसके बाद पुलिस बॉडी लेके जाती, पोस्टमार्टम होता है, दाह संस्कार हो जाता है, लेकिन जो आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी आपकी माँ के बनाई गई है, जो लड़की थी, वह लड़की का कहना है कि आपके जो भाई के साथ शादी पड़ी है, आपकी जो 7 जून की शादी है जिस बड़े भाई की, उसके साथ उसका अफेयर था, इस तरीके को बयान दी है। ऐसा कोई बात नहीं था, हम तो कुछ जानते भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। पहले से हमारे घर से उसके घर से लफड़ा होता था, झगड़ा, ये तो पट्टीदार का मामला है, अगर बर्तन दो है तो एक जरूर खटकेगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। जो बात थी हमें नहीं पता, ऐसी कोई बात ही नहीं थी क्योंकि ये फंसाया जा रहा है, ये कौन मारा, क्योंकि उसका भाई वो दिया था, धमकी दिया था, हम कैसे मान सकते वो मार दी होगी, क्योंकि उनके परिवार वाले में उनका भाई धमकी दिया था। जो मैं कह रहा हूँ आप वो समझ नहीं, आपका भाई भी स्वीकार किया कि हाँ उससे मेरी बातचीत होती थी, ये बात घटना के मौत के पहले भी ये बातचीत आपके भाई ने कहा कि मौत के बाप की जब माँ की हत्या हुई उसके पहले भी उस लड़की से बातचीत हुई थी, इस तरह। क्या आप लोगों को नहीं जानकारी था या आप लोग छुपा रहे थे अपनी इज्जत के लिए, सम्मान के लिए? अगर आप शायद पहले ही बताए होते। नहीं, परिवार वालों को मतलब मालूम था, मतलब था, लेकिन हम ज़्यादा ये लोग मतलब ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते थे। परिवार लोग को मालूम था, मतलब सब लोग मना भी किए थे, उसके बाद सब लोग कह रहे थे अब ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब परिवार वालों भी जानते थे ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा हमारे भाई किसी को बताया नहीं था, लेकिन हम ये सब मैटर में, क्योंकि जो मुख्य आरोपी लड़की है जो आपके बगल की है, जो जेल गई है आपकी माँ के हत्या के 302 में गई है, वो कहती थी कि आपकी माँ बीच में रुकावट आती थी, मैं शादी करने का प्रयास कर रही, इस तरीके का है। क्या आपकी माँ विरोध करती थी उसकी? भैया हम ज़्यादा इधर उधर, हम तो इलाहाबाद रहते थे, हमें क्या पता कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, हम तो 2 साल से इलाहाबाद पढ़ते हैं, इन लोग से मैटर में हम जानते ही नहीं थे, ऐसी कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं ज़्यादा पता, जो पता है। तब पर भी हत्या करना, क्या उसको हत्या कर देना ये उचित उसको लगा? अच्छा ये बताइए भैया, बातचीत तो सब लोग करते हैं, क्या दुनिया में कोई बातचीत नहीं करता? इसके मतलब जान लिया जाए कि कोई जान ले ले, ऐसा सब लोग बातचीत करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्यार हो जाता है, क्या किसी को होता नहीं, सब लोग जानते हैं क्या होता है और क्या होता है, ऐसी कोई बात हम ज़्यादा जानते नहीं क्योंकि हम यहाँ पे रहते ही नहीं थे। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर, आपकी माँ की वो हत्या की है? ये तो सब लोग देखे हैं, शासन भी देखी है मेरी मम्मी की किस तरह जान गई है, सब जानते हैं, हमें यही गुजारिश है कि जैसे मेरी माँ की जान लिया गया है वैसे वो भी पकड़ा जाए, अभी सच सच जैसे बयान वो दी है, कैसे कैसे दी है, उससे
पकड़ा जाए कि कैसे कैसे मतलब की है, कौन कौन मारा है, सबसे बयान लिया जाए, मतलब उसके भाई से और जो उसके पिताजी हैं, ऐसे ऐसे सबसे बयान लिया जाए। कल आप लोग जौनपुर गए थे, वहाँ आप लोग तहरीर देने गए थे, एसपी साहब से मिलने गए थे, वहाँ हंगामा भी किए थे, क्यों किए थे हंगामा? क्योंकि ये सब मतलब पूरा केस पलट उठा था, क्योंकि जो धारा लगी थी चारों लोग को धारा कम की गई थी, अब कौन किया, प्रशासन किए, पैसा लेके किए, क्या किए, हमें ये सब नहीं पता, क्योंकि हम गए नहीं थे वहाँ पे, हम तो जानते ही नहीं थे। हम तो शाम को जब मम्मी को सुने उसके बाद शाम को घर आते हैं तो क्या पता चलता है, पापा बोल और सब बोलते हैं कि मम्मी तो तबीयत मतलब मम्मी अभी जीवित है, जौनपुर के लिए हॉस्पिटल में भर्ती है। तो हम कहे चलो जौनपुर ही चलते हैं, अगर मेरी मम्मी भर्ती है उसके बाद जाते हैं तो मेरी मम्मी चीर घर में रहती है, जब चीर घर में देखते हैं तो हमारा कलेजा फट जाता है कि मेरी मम्मी चीर घर में क्या कर रही है, अगर मेरी मम्मी की हमारी मम्मी अगर जीवित है तो चीर घर में क्या कर रही है, इसीलिए क्या मेरी मम्मी को अब चीरा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है, ये क्या हो रहा है। उसके बाद तब पर भी हम मौत अपने मम्मी को देखे नहीं थे चेहरा, उसके बाद जब शमशान घाट सब लोग फूकने ले जाते हैं तब अपने मम्मी को हमारी मम्मी को चेहरा दिखाया जाता है कि यही है, उसके बाद देखते हैं हमारा कलेजा फट जाता है कि हमारी मम्मी का कैसे। चलिए ये उनकी बड़ी बेटी के बाद हमें यही होता है उम्मीद, क्या कर रहे हैं लोग, ऐसे ऐसे कातिलों को क्यों पकड़ नहीं रहे हैं, हम कैसे पढ़ाई लिखाई करें, आज हमारा स्कूल भी हम छोड़ के आए हैं अपना, कैसे हम पढ़ाई लिखाई करें, जो मेरा बाप था वो आज खुद ही मजबूर हो गया, हमको कैसे पैसा देगा, कैसे मेरा घर चलेगा, हम किसकी तैयारी कर रहे थे, अब कैसे हम करेंगे, कि आपने मम्मी का हम सपना भी नहीं पूरा करेंगे, आज हम पढ़ रहे थे कैसे पढ़ेंगे, कौन देगा हमें, हमारी मम्मी तो घर का काम ही करती थी ना, कोई हमारी मम्मी इतना बड़ी थी ही नहीं कि हमारी मम्मी काम करके लाती, और हमारे पापा छोटे इलायची करके किसानी करके हम लोग को पेट पालते थे, कौन करेगा मेरा, कौन नहीं, क्यों नहीं सुन रहे हैं लोग हमारा, हम कैसे पढ़ेंगे, हमारी मम्मी का सपना था हम कुछ बने, कहाँ से पढ़ेंगे हम, ये बताइए, इसका मतलब हमारी मम्मी किसी की जान लेने गई थी क्या, हम कैसे। चलिए मृतक की बेटी हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरीके से इन्होंने सारी बात को बताया, हमें और भी सपना पूरा करना है मम्मी का, क्या हम ऐसे बैठे रहेंगे, हम कहाँ से पैसा लाएंगे, मेरी मम्मी तो घर का काम ही करती थी ना, खेती बाड़ी हम लोग के पेट पालने के लिए हमारे पापा कैसे हमें पढ़ाते थे, एक एक रुपए लाके कि तुम पढ़ो हम देंगे, कहाँ से लाएंगे पापा, जब मेरे पापा ही मजबूर हो गए कहाँ से लाएंगे, कैसे हम पढ़ेंगे, हमें कैसे हमें पढ़ाएंगे। तो जिस तरीके से इनका रो रो के बुरा हाल है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसमें से जो मुख्य आरोपी है पुलिस ने उसको जेल भेजा है, बयान भी नोट किया है, कुल्हाड़ी भी बरामद की है। अब तो समय बताया गया कि तेजी बाजार की पुलिस सुभद्रा के हत्या के मामले में कितने आरोपियों को और जेल भेजेगी। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।